हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं होम स्क्रीन वॉलपेपर हम कैसे सेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और होम स्क्रीन है लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और सेट वॉलपेपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद वॉलपेपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से कोई सा भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं अपनी होम स्क्रीन पर। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं अपनी होम स्क्रीन पर ये वाला कर लेता हूँ। और इसको करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा सेटिंग्स लॉक स्क्रीन, सेटिंग्स होम स्क्रीन। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि मुझे होम स्क्रीन पर सेट करना है तो होम स्क्रीन पर क्लिक कर लेता हूँ और मेरा ये होम स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।